हाय गाइस एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स फंडा आज की इस वीडियो में हम लोग शेड्यूल बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे प्लस एक सेट हम लोग डायरेक्शन का भी देखेंगे जो कि आपका मेंस लेवल है कोडिंग बेस्ड जो आपकी डायरेक्शन होती है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो आज का जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रैक्टिस मॉक की साइट से लिया है सिमिलर टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है उसको फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दिया जाएगा तो उसकी हेल्प से अपकमिंग डेज में आपके जो एग्जाम आने वाले हैं उनके मॉक आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में रख दिया गया है हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी जो भी पर्सन हिंदी वाले हैं वो उसको हिंदी में अटैम्प्ट करें और जो भी पर्सन इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में अटैम्प्ट करें ठीक है एंड ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी है ऐसा मेस में नहीं आता है एसबीआई क्लर्क में Uh, आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चन आपके टफ भी लगाए गए थे जिस जिस uh, आपके शिफ्ट में आपकी रीजनिंग जो थी वो टफ थी उसकी बात नहीं कर रही लेकिन जहां पे आपकी एवरेज रखी गई थी वहां पे क्वेश्चन ऐसे भी लगे थे तो वहां जरूरी होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सके कम समय में ठीक तो आप लोग के लिए ये सोचकर मत तैयार करिए कि इसका लेवल लो है उसका लेवल हाई है आपको सारा ही प्रिपेयर करना है क्योंकि आपका आर जो क्लर्क होता है उसमें आपका ज्यादा अच्छा लेवल नहीं आता है ठीक ठाक रहता है वहां पर आपको ये होता है कि जल्दी से जल्दी आप उसको अटेम्प्ट करो ठीक क्योंकि वहां पर आपका सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं है तो हर एग्जाम एक अलग स्ट्रैटेजी होती है बेहतर है कि आप उसके उसका बैकग्राउंड को समझें और उसको किस तरीके से करना है उस पर आप ध्यान दें तो यहां से हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एट पर्सन आपके आर्ट पर्सन हैं पी थ्रो डब्ल्यू विजिट अ म्यूजियम ऑन डिफरेंट डेट सेवन एंड ट्वेंटी थर्ड इन डिफरेंट मंथ्स एमंग जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल इन अ ईयर ठीक देखो वैसे तो मैं यहां पे बिल्कुल बेसिक टू आपका जो क्वेश्चन होता है बेसिक टू मतलब जहां तक इसका लेवल है इस क्वेश्चन का वहां तक मैं पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ लेकिन अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है इस टाइप के क्वेश्चन में तो मैंने एक सीरीज चला रखी है आई की, उसमें मैंने बिल्कुल छोटी से छोटी चीज से लेकर जो पीओ का पैटर्न होता है तो है, और धीरे -धीरे आपकी कुछ है वो, मतलब, मतलब, वो अपलोड हो चुका है तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं ठीक है तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लिखते हैं जनवरी को हम लोग सबसे पहले जनवरी की दो डेट आएंगी फिर फरवरी की दो डेट आएंगी फिर मार्च की दो डेट आ जाएंगी फिर अप्रैल की दो डेट आ जाएंगी ठीक है जनवरी की दो दो डेट सेवन जनवरी ट्वेंटी थ्री जनवरी फिर सात फरवरी ट्वेंटी थ्री फरवरी फिर सात मार्च ट्वेंटी थ्री मार्च सात अप्रैल ट्वेंटी थ्री अप्रैल ठीक है देखो यहाँ पे कह रहे हैं सबसे पहली बात टू पर्सन विजिट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू हु डज नॉट विजिट इन द मंथ ऑफ थर्टी वन डेज तो दो पर्सन जो है वो आर एंड डब्ल्यू के बीच में आएंगे हु डज नॉट विजिट इन द मंथ ऑफ थर्टी वन डेज जो कि आपका डब्ल्यू जो है वो थर्टी वन डेज में विजिट नहीं करेगा तो डब्ल्यू जब थर्टी वन डेज में विजिट नहीं करेगा इसका मतलब या तो वो आपका फरवरी में विजिट करेगा फरवरी सात फरवरी तेईस या फिर आपका अप्रैल में विजिट करेगा अप्रैल सात अप्रैल तेईस लेकिन इन्होंने डेट अभी बताई नहीं है तो फिर चार पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी और जब चार पॉसिबिलिटीज बनेंगी तो कोई फायदा नहीं है उसको पिक करने का तो आप बेहतर है लिख लें कि आर और डब्ल्यू के बीच में दो पर्सन का गैप आएगा प्लस आपका डब्ल्यू जो है वो कहाँ आएगा फरवरी एंड अप्रैल में से कहीं आएगा ठीक या तो फरवरी अप्रैल टिक कर लो या फिर थर्टी वन लिख के क्रॉस कर दो ठीक वो आपका तरीका है लिखने का देन आगे कह रहे हैं एटलीस्ट थ्री पर्सेंट विजिट बिटवीन आर एंड टी आर और टी के बीच में एटलीस्ट तीन पर्सन है तो एटलीस्ट तीन यानी कि तीन होंगे या फिर तीन से ज्यादा होंगे और टी के बारे में कह रहे हैं टी हु विजिट आफ्टर क्यू टी जो है वो कैसे विजिट करेगा टी क्यू uh, के बात करेगा देन टू परसेंट विजिट बिटवीन वी एंड पी वी और पी के बीच में आपके दो पर्सन विजिट करेंगे तो इसको आप लिख लोगे देन पी हु डज नॉट विजिट बिफोर डब्ल्यू तो पी जो है वो डब्ल्यू से बिफोर नहीं आएगा यानी कि डब्ल्यू के आफ्टर आएगा देन वन पर्सन विजिट बिटवीन आर और एस आर और एस के बीच में एक पर्सन आएगा और वी विजिट जस्ट आफ्टर एस वी जो है वो जस्ट आफ्टर आएगा एस के ठीक देखो कहने के लिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कहीं भी एक एस और वी के अलावा आपको कहीं ऐसी हिंट दी गई है जिसमें सबकी पोजीशन जिसमें किसी की भी पोजीशन फिक्स हो लाइक आर और एस में एक का गैप है तो क्या इनकी पोजीशन फिक्स है नहीं है आर ऊपर भी आ सकता है एस ऊपर भी आ सकता है यहां पर वी और पी के बारे में कहोगे तो वी और पी में भी आपकी पोजिशन फिक्स नहीं है कि पी ऊपर होगा कि वी नीचे होगा या वी ऊपर होगा कि पी नीचे होगा आर और टी में भी इन्होंने पोजिशन फिक्स नहीं करी है और आर और डब्ल्यू में भी पोजिशन फिक्स नहीं करी है तो इसमें जो पॉसिबिलिटीज है वो बनकर अच्छे से आएंगी तो छोटा क्वेश्चन देखकर ये मत गलत फेमी में पढ़ना कि छोटा क्वेश्चन है तो बहुत ही आसानी से दो तीन मिनट में सॉल्व हो जाएगा ठीक कई बार उसमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनती है ओके तो इसको पिक करते हैं तो आप लोग स्टार्ट तो ऑब्वियसली आर एंड डब्ल्यू से ही करोगे क्योंकि सारे पॉइंट्स उसी से यहाँ पे कनेक्ट होते हुए हैं है ना तो डब्ल्यू और आर से करोगे तो डब्ल्यू के बारे में कहा गया है कि इसको फरवरी अप्रैल मिलेगा तो जब इसको फरवरी अप्रैल कहा गया है तो फिर इसको पिक कर लेते हैं डब्ल्यू जो है वो कहाँ पर आएगा या तो फर्स्ट कंडीशन में आपका फरवरी सात को आएगा सेकेंड कंडीशन में फरवरी तेईस को आएगा ठीक थर्ड कंडीशन में अप्रैल सात को आएगा फोर्थ कंडीशन में अप्रैल तेईस को आएगा ठीक है दो का गैप है तो फर्स्ट कंडीशन में देखो ऊपर की तरफ दो का गैप नहीं जा सकता यानी कि नीचे की तरफ दो का गैप दोगे तो वन और टू का गैप करके आर यहाँ पे देन आपका जो सेकेंड वाला डायग्राम है उसमें आपका दो का गैप ऊपर भी हो सकता है और दो का गैप नीचे भी हो सकता है ठीक तो दोनों पॉसिबिलिटी बना लो एक में आप ऊपर का गैप ले जाओ और एक में आप नीचे का गैप ले जाओ ठीक है इस कंडीशन में देखोगे तो वन और टू का गैप करके आर यहाँ पे इस कंडीशन में देखोगे तो वन और टू का गैप करके आर यहाँ आ जाएगा ठीक है इसको आप हटा दोगे देन आगे कह रहे हैं यहाँ पे कि आर अब देखो आर और टी में तीन से ज्यादा का गैप होगा है ना यानी कि चार का गैप होगा तो चाहे तो आप इस पॉइंट को ले लो लेकिन अगर आप देखोगे सेकंड वाले डायग्राम में तो वन टू थ्री फोर का गैप करके आपका टी यहां भी आ सकता है एंड टी यहां भी आ सकता है, है ना तो अभी आप इसमें रुक जाओ ठीक ये वाले पॉइंट को अगर आप देखोगे तो आर और एस के बीच में एक का गैप होगा प्लस इसी से कनेक्ट करता हुआ जो पॉइंट है कि एस के तुरंत नीचे वी आएगा इन दोनों को साथ में लो है ना इन दोनों को साथ में लोगे तो पॉसिबिलिटी इरेज होंगी आर का जब आपका जो फर्स्ट डायग्राम है अगर उसमें आप एस को नीचे की तरफ लिखते हो तो आप वी उसके जस्ट नीचे नहीं दे सकते एस के जस्ट नीचे वी नहीं दे सकते इसलिए आप एस यहाँ लिखोगे और वी यहाँ लिखोगे इस कंडीशन में एस यहाँ पर और वी पर ठीक है इस कंडीशन में देखोगे तो अगर मान लो एस यहां पे लिखते हो तो वी यहाँ नहीं दे सकते बिकॉज यहाँ पे क्या है डब्ल्यू है है ना तो यहां पर आप देखोगे तो एस यहां पर आएगा और वी यहां पर आएगा इस कंडीशन में देखोगे तो एस यहाँ पर और वी यहां नहीं आ सकता बिकॉज डब्लू है ना तो एस यहां पर आएगा और वी यहां पर आ जाएगा फिर यहां पर आप देखोगे तो एस आपका यहां पर आता है तो वी जो है वो यहां पर नहीं आएगा ठीक है क्योंकि यहां पर आपका डब्ल्यू फिक्स है तो फिर ये हट जाएगा देन आगे देखते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं V और P दोनों में दो का गैप आएगा प्लस W के नीचे P आएगा दोनों को साथ में लो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में देखोगे तो वन एंड टू का गैप करके P आप ऊपर नहीं दे सकते बिकॉज W के ऊपर हो जाएगा इसलिए P सबसे नीचे इस कंडीशन में आप देखोगे तो P नीचे की तरफ आ नहीं सकता और ऊपर की तरफ आएगा तो फिर वो डब्लू से ऊपर चला जाएगा इसलिए ये यह यहाँ पर कट हो जाएगा इस कंडीशन में देखोगे तो वन एंड टू के अलावा पी जो है वो यहां पर आ जाएगा है ना अब पी यहाँ पर आएगा तो ये डब्ल्यू से ऊपर रहेगा तो इसे आप कट कर दोगे देन यहां पर आप देखोगे तो वी को चाहे ऊपर लेकर जाओ चाहे नीचे लेकर जाओ वो डब्ल्यू से ऊपर ही रहेगा इसलिए ये कंडीशन भी यहाँ पे कट हो जाएगी आंसर आपका इसी में आएगा ठीक तो पॉसिबिलिटीज आपकी भले ही चार से पांच बनी लेकिन बहुत जल्दी इरेज भी हो गई ठीक तो पॉसिबिलिटीज बनाओ पॉसिबिलिटीज बनाने में कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है बट अपनी स्पीड जो है उसको अच्छा रखो ठीक देन Q के नीचे T आएगा R और T में आपका तीन प्लस का गैप होगा ठीक है तो R और T T में आपका तीन प्लस का गैप होगा या फिर आपका तीन का गैप ठीक है तीन या फिर तीन का गैप होगा या फिर तीन से ज्यादा का गैप होगा तो वन टू थ्री का गैप करोगे तो टी आपका यहां पर आ सकता है मोर देन थ्री नहीं दे सकते बिकॉज टी अगर यहां पर आएगा तो फिर क्यू को आप ऊपर कैसे लेकर जाओगे तो क्यू आपका फिर यहां पर आ जाएगा क्योंकि टी यहां पर आएगा और जो लास्ट पर्सन बचेगा वो आ जाएगा यहां पे ठीक तो वो पर्सन कौन सा है आई थिंक यू होगा है ना तो यू आ जाएगा यहां पे ठीक तो ये होगा ऐसा करेक्ट सोल्यूशन और कोई पॉइंट बचा भी नहीं है तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर यही निकल कर आएगा ओके पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन विजिट आफ्टर यू यू के बाद में कितने पर्सन है तो खाली एक है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा देन हु द फॉलोइंग विजिट इमीडिएटली बिफोर डब्ल्यू डब्ल्यू के तुरंत पहले जो है 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 वो कौन विजिट विजिट करता करता तो टी करता है, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा ठीक है इसको हिंदी में मैंने लिखा नहीं है क्योंकि हिंदी में इसको लिखने की ज्यादा जरूरत थी नहीं अब नॉर्थ का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्या हो जाता है आपका ईस्ट ये हो जाता है वेस्ट ये नॉर्थ और ये साउथ ठीक है ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट और ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट ठीक है तो ये यहाँ पे डायरेक्शन है और क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज का क्वेश्चन वैसे यहां तो है नहीं बट अगर होता भी है तो आपका क्लॉक वाइज इस डायरेक्शन में चलता है इस तरीके से ठीक है और एंटी क्लॉक वाइज इस डायरेक्शन में चलता है राइट देन देखते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं तो पहला क्या है पी क्यू uh, के बारे में इन्होंने ये कहा है पी परसेंटेज क्यू पी इज नॉर्थ ऑफ क्यू ठीक तो वैसे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है बस इस पर नजर डाल लिया करो कि इसमें जो इनकी पोजीशन है सेम पोजिशन इनकी रखी गई है या फिर नहीं ठीक है अगर आपकी सेम पोजिशन रखी गई है तो बस आप अपने नॉर्मल जो ये आपके यहाँ पे अः uh, क्वेश्चन है सिर्फ उस पर आ जाया करो ठीक तो पहला कह रहे हैं कि ए इज सिक्स मीटर बी तो यहाँ पर देख लो क्या है नॉर्थ होगा तो ए जो है वो छह मीटर नॉर्थ में है किसके बी के ठीक तो यहां पर इसको बना लो कि ए जो है वो छह मीटर नॉर्थ में आएगा बी के ठीक देन आगे कह रहे हैं कि बी इज फाइव मीटर सी तो यहां पर फाइव मीटर सी कैसा है वेस्ट में है ना तो बी जो है वो पांच मीटर वेस्ट में है सी के तो यानी कि सी जो है वो ईस्ट में चला जाएगा और पांच मीटर यहां पे हम लिख देंगे ठीक उसके बाद आगे कह रहे हैं सी डीई e, ठीक है स्टार का मतलब यहाँ पे ये यह है कि सी जो है वो मिड पॉइंट में है डीई e के और डी की जो लाइन है वो कैसी है वर्टिकल है ठीक तो वर्टिकल यानी कि इस तरीके से डी की लाइन होगी ठीक डी की लाइन इस तरीके से होगी हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से वर्टिकल आपके स्ट्रेट लाइन तो यानी कि आपका डीई e जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा ठीक अब कितना ऊपर डी जाएगा कितना नीचे डी जाएगा पता नहीं बस डी ई इस तरीके से आएगा तो इसको इस तरीके से आप लिख लो ठीक फिर आगे कह रहे हैं कि ई e, एफ और जी ई e जो है वो कैसे होगा मिड पॉइंट में होगा हॉरिजोंटल लाइन होगी किसकी एफ जी की तो ई e जो है वो एफ जी के मिड पॉइंट में होगा तो इसको इस तरीके से लिख लो बिकॉज यहां पे अभी ई e की पोजीशन आपकी फिक्स नहीं है ना है देन आगे कह रहे हैं जी इज ट्वेल्व मीटर एच तो जी जो है वो ट्वेल्व मीटर कैसा है आपका साउथ में है एच के तो जी जो है वो ट्वेल्व मीटर साउथ में है एच के ठीक फिर आगे कह रहे हैं जी इज एट मीटर एट द रेट एफ जी जो है वो आठ मीटर ईस्ट में है एफ के तो जी आठ मीटर ईस्ट में है एफ के तो यहां पे देखो जी से कनेक्ट करता हुआ पॉइंट ही है तो इसको आप इसी तरीके से लिख लोगे ठीक है फिर आगे कह रहे हैं डी इज ट्वेल्व मीटर ई तो डी जो है वो 12 मीटर नॉर्थ में है ई e के अब देखो डी और ई e की जो आपकी प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सॉल्व हो गई जब डी आपका नॉर्थ में है ई e के तो यानी कि e ई जो है वो नीचे की तरफ आएगा और डी आपका ऊपर की तरफ जाएगा और ट्वेल्व मीटर का मतलब सी टू डी आपका सिक्स मीटर का गैप होगा और सी टू ई आपका सिक्स मीटर का गैप होगा ठीक तो सिक्स मीटर का गैप होगा यानी कि आपका ए वाली स्ट्रेट लाइन में डी आएगा ठीक है टोटल जो है वो डी टू ई कितना है आपका ट्वेल्व मीटर का गैप है राइट एग्जैक्टली exactly बीच में यानी कि आपका हाफ हाफ यहाँ पे गैप जो होता है वो बांट दिया जाता है एफ और जी के बारे में आप देखोगे तो एफ और जी के लिए यहां पर ये कहा गया है कि एफ और जी दोनों में आपका कितने का गैप है आठ का गैप है सो so, आठ का गैप है तो यानी कि एफ पीछे जाएगा और थोड़ा सा यहां पे रुक जाएगा बी से पहले रुकेगा बिकॉज बी टू सी आपका कितने का गैप है पांच का जबकि ई e टू एफ कितना है आपका ओनली चार का होगा ठीक जी इधर चला जाएगा ई टू जी भी आपका कितना होगा चार का होगा तो एफ टू जी आपका आठ का है ई टू जी चार का है एफ टू ई चार का है ठीक जी और एच के बारे में यह कहा गया है कि एच जो है वो आपका नॉर्थ में है जी के 12 मीटर तो 12 मीटर का मतलब ये स्ट्रेट कहा चला जाएगा डी वाई लाइन में चला जाएगा ठीक क्योंकि डी टू टूवी भी कितना है आपका 12 मीटर है ठीक तो ए डी एच आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे एफ ई e, एच आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे बी और सी एक लाइन में रहेंगे बी सी ई आपका स्ट्रेट लाइन में रहेंगे ठीक पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड द पर्सन सिटिंग नॉर्थ

आप देखोगे कि ये वाला डिस्टेंस चार है लेकिन ये कम है कितना कम है एक मीटर कम है क्योंकि ऊपर वाला पांच है तो पांच और चार कितना हो जाएगा नौ नौ का आप इसमें प्लस कर दोगे स्क्वायर कितना हो जाएगा एट्टी वन इसको प्लस कर लो कितना हो जाएगा दो सौ पच्चीस अंडर रूट करोगे कितना आ जाएगा पंद्रह तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वट इज द डायरेक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एच सी की डायरेक्शन क्या है एच की रिस्पेक्ट में तो जब भी डायरेक्शन निकालना हो तो ऐसे करके आप एक पॉइंट बनाया करो ठीक है इसको बिल्कुल मिड में रख दिया करो और फिर आप निकाला करो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ठीक तो ये क्या निकलेगा आपका साउथ वेस्ट ठीक तो आंसर क्या होगा यहाँ पे साउथ वेस्ट ऑप्शन नंबर सी हमेशा से ध्यान रखना कि इसके जो ये डिस्टेंस होता है ये आप बिल्कुल ठीक से बनाकर चलें क्योंकि अगर आप डिस्टेंस किसी का भी ठीक नहीं बनाएंगे तो उसके डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस पर तो फर्क पड़ेगा ही प्लस आपका जो डायरेक्शन का क्वेश्चन होता है कि, कि किस डायरेक्शन में है इसके रिस्पेक्ट में उस क्वेश्चन पर भी बहुत फर्क पड़ता है तो बेहतर है कि आप इस चीज का बहुत ही सही तरीके से ध्यान रखें ठीक सो so, इस सेशन को हम यही दी एंड करते हैं एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो